22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राम मंदिर को लेकर राजनीति तेज हो रही है। और जो ताजा बयानबाजी आरजेडी के नेताओं की तरफ से की जा रही है, उसी के बारे में जानिए। पिछले हफ्ते बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंदिर जाने को लेकर विवादित बयान दिया। अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कह दिया, मंदिर निश्चित तौर पर शोषण का स्थल है, गुलामी की ओर ये ले जाता है। वहीं बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी ने आरोप लगाया कि अक्षत वितरण के नाम पर दरअसल वसूली का खेल चल रहा है। आरजेडी के ही विधायक है अजय यादव उर्फ रंजीत यादव, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी अयोध्या में अपने ही लोगों से ब्लास्ट करवा देगी। ऐसा नहीं है कि ऐसी बयानबाजी पहली बार की गई है। पिछले हफ्ते ही आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सावित्री बाई फुले को कोट करते हुए पोस्टर लगवा दिया था कि मंदिर गुलामी की ओर ले जाता है। उससे पहले कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई थी। वहीं कांग्रेस के ही उदित राज ने कह दिया कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। आखिर ऐसे बयानों का मतलब क्या है? सभी को पता है बीजेपी चुनाव में इन बयानों के सहारे विपक्ष पर निशाना साधती है, और अक्सर ये भी देखा गया कि चुनाव में ऐसे बयानों का विपक्ष को उल्टा नुकसान उठाना पड़ जाता है। और फिर भी इस तरीके की बयानबाजी क्यों नहीं थमती है? क्या इन बयानों के सहारे बीजेपी के कमंडल कार्ड के जवाब में विपक्ष के नेता कास्ट कार्ड को, मतलब मंडल कार्ड को आजमाना चाहते हैं? और सवाल ये भी, आरजेडी के अलग अलग नेता मंदिर पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन जब बात अपनी होती है तो फिर खुद मंदिर क्यों जाते हैं? लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक अक्सर मंदिर में नजर आते हैं, फिर भी मंदिर पर दूसरों को नसीहत देते हैं। तो आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है, और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है, ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? पता नहीं इस घमंडिया गठबंधन के लोगों के मन में राम मंदिर के निर्माण से इतना क्यों नफरत है, और आरजेडी के नेता जो बोल रहे हैं इनके, यह तो मुखौटा है। पीछे तो लालू जी और तेजस्वी जी का चेहरा है, अब ये लोग महागठबंधन घमंडिया के नेता बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करने वाले, तुष्टिकरण देश के लिए हमेशा हानिकारक है। और माननीय मंत्री ने जो बयान दिया है बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। इस ढंग का बयान देने से नुकसान ही होता, अपना नुकसान भी, राजनीतिक नुकसान भी। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ऐसा करने से जो मुसलमान वोट, अल्पसंख्यक वोट हमको मिलता रहा है, उसमें कोई सेनमारी नहीं होगी। ये भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। हैं कि धर्म के किसी भी लाइन से बोलने से पहले थोड़ा बचना चाहिए चीजों से, पहले कि इंसानियत धर्म बहुत बड़ा चीज होता है, इसलिए इंसान धर्म को ही बढ़ावा देना चाहिए। मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जवाब इनके दल को देने की जरूरत है कि क्या आप सनातन पे हो रहे इस तरीके की बयानबाजी को क्या वो बर्दाश्त करें? ज
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।